नमस्कार जागतेर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जंत्री। सबसे बड़ी खबर पंजाब की, सबसे बड़ी खबर ये है कि पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ रियायतें दे दी हैं, रिलैक्सेशन दे दी हैं पंजाब के लोगों को। सबसे बड़ी रियायत आपको बता दें कि रोज़ सुबह जो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक अब दुकानें खुल सकेंगी, लोग बाहर आ सकते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है कि पंजाब में रोज़ाना 4 घंटे का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है और लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं, अपने जो कारोबार हैं, अपनी दुकानें हैं वो खोल सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए समय अवधि रहेगी सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, और लोगों को इसके लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी होगा, यानी उनको मास्क लगाना होगा और साथ ही उनको सैनिटाइज़र वहाँ पे रखना होगा। यदि कोई दुकान खोलता है तो उसको जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करना पड़ेगा, तभी वो अपनी इस छूट का फ़ायदा ले सकता है। और जो लोग पिछले 38 दिन से पंजाब के लोग अपने घरों में कैद थे वो अब बाहर जा सकेंगे। आपको बता दें फिर से, पंजाब में 4 घंटे के लिए छूट दी गई है। ये छूट सुबह जो है 7 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक रहेगी। लोग अपनी दुकानें भी खोल सकते हैं, यानी कि 4 घंटे अब पंजाब में लॉकडाउन नहीं होगा, दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री ने ये साफ किया है, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है, विश्व के दूसरे देशों में जिस तरह चपेट में है पंजाब में या हमारे देश में, भारत में अभी वैसी स्थिति नहीं है, ख़राब स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए साथ में काम भी जरूरी है, जैसे जान है तो जहान है, वैसे जहाँ है तो जान है, ये दोनों मंत्र हैं, जो जहाँ भी है और जहाँ भी है। तो इसको मानते हुए देखते हुए मुख्यमंत्री पंजाब ने जो है वो छूट दे दी है, दुकानें खोल सकेंगे सुबह 7 बजे से लेके और जो 11 बजे तक दुकान खोल सकता है। इसमें उनको सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, साथ ही ये भी कहा है कि कोई अपना व्हीकल नहीं लेके जा सकेगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये छूट दी गई है, इसमें लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन व्हीकल का प्रयोग करना जो है वो अलाउड नहीं होगा। यानी कि आपको अपनी दुकान पे जाना है तो आप पैदल जा सकेंगे, पास की दुकान है वहीं खोल के आप 11 बजे आपको वापस आना होगा, यानी कि 11 बजे के बाद दोबारा कर्फ्यू लग जाएगा। और पंजाब में आपको बता दें कि 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है, 3 मई को इसकी जो है वो मियाद ख़त्म होने वाली थी, अब जो ये मियाद 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि पंजाब अब 2 हफ्ते और कर्फ्यू में रहेगा। और जो पंजाब के लोगों को सुबह जो 7 बजे से लेके 11 बजे तक छूट रहेगी, वो अपने बाहर जा सकेंगे, कुछ सामान लेना है ले सकेंगे, दुकान खोलनी है, कोई साफ सफाई करनी है वो कर सकेंगे, लेकिन उनको जो सोशल डिस्टेंस और जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा ये भी कहा गया कि इंडस्ट्री को पहले ही काम करने की छूट दी गई है, सब प्रकार की इंडस्ट्री जो है खुल सकती है और वो सोशल डिस्टेंस में काम करेंगे, वो ताकि लेबर जो है वो अपने जो उनमें परेशानी खड़ी हुई थी वो परेशानी को भी दूर किया जा सके। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो जो है सिर्फ एसेंशियल आइटम ही जो है उसका कारोबार कर सकेंगी, जैसे कि वो पहले कर रही थी। इसके अलावा जो भी दुकानदार कोई ऐसा काम करता है वो 50% स्टाफ के साथ ही काम करेगा। एक और बात आपको जो मुख्यमंत्री द्वारा ये साफ की गई है, कोई भी जो मॉल्स हैं या जो मल्टीप्लेक्स हैं या जो मल्टी कॉम्प्लेक्स हैं ये बिल्कुल नहीं खोले जाएंगे, इनकी खोलने की बिल्कुल अनुमति नहीं होगी। एक और बात जो जरूरी है कि कंटेनमेंट जोन जो है कोरोना वायरस के जहाँ ज़्यादा मामले आए हैं और उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, उनको खोलने की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी ये छूट है वो लागू नहीं होगी। यानी कि वहाँ पे जो पहले की तरह कर्फ्यू पूरी तरह से लागू रहेगा, बाकी जो इलाकों में जो छूट है वो लागू रहेगी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो ये थी सबसे बड़ी अपडेट, बने रहिए जागती लड़के साथ। जय हिंद।